हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में, रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। मेरे प्रियजनों, आज हम फिर से एक रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं, हाजिर हुए हैं उस महान परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियजनों, जिस परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया, सुनहरा अवसर दिया, टाइम दिया, समय दिया, अनुग्रह दिया, मेरे प्रियजनों उस परमेश्वर का आप लोग धन्यवाद दीजिए। क्योंकि मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह सबसे प्यार करता है, उसने प्रेम किया है, उसने कूड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, हाथों पर में कीलें ठुकी गई। क्यों? सिर्फ हम सभी के खाते जो सजा हमसे मानव जाति को मिलने वाली थी, वो सजा सिर्फ यीशु मसीह ने हम सभी के खातिर अपनी देह पर ले लिया। यीशु मसीह अपनी देह पर ले लिया और कलवरी क्रूस पे चढ़ गया और बलिदान हो गया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मेरे प्रियजनों, अब टूट चुके हो, बिखर चुके हो, परेशान हो चुके हो, हताश हो चुके हो, निराश हो चुके हो, डरे हुए हो, घबराए हुए हो, परेशान हो, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, उस परमेश्वर से बताना है, उस जीवित परमेश्वर से बताना है। यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोछेगा। मेरा परमेश्वर आपकी फिवर करता है, मेरा परमेश्वर आपकी फिकर करता है। आप क्यों चिंता करते हो, आप क्यों परेशान हो? मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह तो हंसते हंसते क्रूस पे चढ़ गया, बलिदान हो गया, उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, हाथों पर में कीलें ठोकी गई, मुंह पर थूका गया, बेइज्जती सहा। क्यों? सिर्फ हम सभी के खातिर, हम सभी के खातिर, हम सभी का कफारा, जो पाप का कफारा था, जो बोझ था, यीशु मसीह ने अपने देह पर लिया, अपने देह पर लिया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है, परमेश्वर में है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 1:1-2 वचन में, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापों के मार्ग में खड़ा होता है, क्योंकि वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। मेरे प्रियजनों, वह उस पेड़ के समान होता है जो एक पेड़ नालियों के किनारे बहते, नालियों के किनारे लगाया जाता है और वह हरा भरा रहता है। धन्य है मेरे प्रियजनों वह पुरुष जो पापियों के मार्ग नहीं खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो धन्य है, वो धन्य है मेरे प्रियजनों। उसको यीशु मसीह ने धन्य कहा है, पवित्र कहा है, धन्य कहा है, पवित्र कहा है। मेरे प्रियजनों, जब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, बिलख रहे हो, टूट चुके हो, बिखर चुके हो, परेशान हो चुके हो, चिंताओं में हो, टेंशन में हो, तो आज आपको यीशु मसीह से बोलना है, परमेश्वर से बताना है, उस जीवित परमेश्वर से बताना है। और मेरा परमेश्वर आपकी फिक्र करता है। हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बदुरी आत्माएं, यीशु मसीह के सामर्थ्यहीन नाम में जाएंगी। आपको बोलना है यीशु मसीह से। और देखो, मेरा परमेश्वर के जीवन में चमत्कार करता है, बड़े काम को करता है। इस प्रार्थना को लास्ट तक सुन लेना और लास्ट में आमीन लिख रिसीव करना। आमीन जब बोलते हैं तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और परमेश्वर के पास पहुंच जाती है और परमेश्वर अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर भी दे देता है। ठीक है, चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते, आपके नाम की बड़ाई करते, आपके नाम की जय जयकार करते। मेरे परमेश्वर, जो आपने मेरे पिता हम सभी को जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखा है। मेरे परमेश्वर, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता मेरे राजा। मेरे परमेश्वर, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से, परिवार वालों से पिता वे बिछड़ गए होंगे पिता, वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे प्रभु जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े का भी नहीं मरते। मेरे परमेश्वर, जो आपने मेरे पिता सभी को जीवित रखा है, अपना जीवन की पुस्तक में नाम लिख लिया है मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो इस वक्त इस प्रार्थना को मसीह भवन अपने फोन पर, मोबाइल पर सुन रहे हैं, पूरे विश्वास का सुन पिता, और लास्ट में आमीन बोल के रिसीव करें मेरे पिता, जिनके गिल्टियां हैं, रसोलिया, पथरिया, ट्यूमर, कैंसर, यीशु के नाम में ट्यूमर बाहर, पथरिया बाहर, कैंसर बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में, ये आजाद हो जाए, ये हील हो जाए, ये रिसीव को बोलकर आमीन यीशु मसीह के नाम में।
इन बाज पनंगी कोखे बंद हैं, यीशु मसीह के नाम की कोखे खुल जाएं, बंद कोखे खुल जाएं, बंद कोखे खुल जाएं, यीशु के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा छुए और आजाद करे, या आजाद हो जाएं, हर प्रकार की बीमारी जाए मेरे पिता में प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो परेशान हैं, जो कमाने वाले नहीं पिता, जो 100-200 रुपए पर 1000 रुपए पर अंदर जाए तो सुधार ले रहे, सता ले रहे मेरे परमेश्वर, ये सबको छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे आए मेरे पिता, आप इनका जीवन संभालिए पिता, आप इनका जीवन संभालिए पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए पिता, मनुष्य निर्बल कमजोर है पिता, वो टूट सकता है बिखर सकता है, परमेश्वर सबको छोड़ छाड़ के पिता आपके पीछे आए मेरे पिता, सुर के झुरके खुल जाए पिता, आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे, मेरे पिता परमेश्वर यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ, ढूंढता हूँ, खटखटाता हूँ इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे पिता, इनकी गरीबी, इनकी तंगी, इनकी परेशानी दूर हो जाए मसीह के नाम में, वो बंद आशीषों के दरवाजे खुल जाए, ओपन द डोर, ओपन द डोर, वो सुर के झरके खुल जाए, आशीषें खुल जाए, गरीबी जाए मेरे परमेश्वर, तेरी जातियों को धर देने बन जाए, ये मांगने वाले नहीं मेरे परमेश्वर, ये देने वाले इनके हाथ हो जाए, इनके हाथ देने वाले हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा जी छुए और ये ब्लेस हो जाए, ये ब्लेस हो जाए, ये ब्लेस हो जाए, ये आजाद हो जाए, आजाद हो जाए मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, जो कर्ज में, जो बोझ में दबे मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है ए बोझ से दबे मानने वाले लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा मेरे परमेश्वर, जो बोझ में है, जो कर्ज में है, परेशानी में है, दबे हैं मेरे परमेश्वर ने छुड़ाइए, इनको आप कर्जा बांटिए, इनका बोझ उठाइए मेरे परमेश्वर, इनका हरेक जुआ टुकड़ा कर दिया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जिन बहनों को बच्चे नहीं होते पिता, इनकी कोखे बंद है मेरे परमेश्वर, पिता का वचन कहता है लड़के यौवा देता है, गर्भ का फल परमेश्वर ही देता है मेरे परमेश्वर, जो बहनें टूट चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं, बिखर चुकी हैं, यीशु के जीवित नाम में मेरे पिता की बंद कोखे खुल जाए, स्वर्ग से बच्चे की आशीष रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए, इनके नामधाई को मिटाइए मेरे परमेश्वर, इनके नामधाई को मिटाइए मेरे परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र 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 राजाओं के राजा है प्रभु के प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, जब से भी मसीह भावना से मेरे पिता पाप गलती गुनाह हुए मेरे पिता, हम माफ करें, आप क्षमा करें मेरे पिता, क्योंकि आप ही के पास ये अधिकार है पिता, कि आप ही सभी के पापों को, गुनाहों को, अधर्मों को आप क्षमा कर सकते हैं मेरे परमेश्वर, आप माफ कीजिए, आप दया कीजिए, आप दया देने वाले परमेश्वर, मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता, जो मसीह रात में नहीं सो पाते हैं, इन्हें डर लगता भलगता, प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब यीशु की नींद आएगी, पिता मुझे आशा विश्वास है अपने प्राणों को सुना है, ये छोटी स्मृति उद्धार करता है यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते सुनिएगा और कबूल करिएगा, आमीन।